क्लास एट सब्जेक्ट में एट टुडे वी विल अंडरस्टैंड रिवीजन वर्क ऑफ सेकंड यूनिट टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एंगल सी इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल है डी सी के. इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक फिगर गिवन है और इसमें बोला गया है कि जो ए बी है वो क्या है, डी सी के पैरेलल है. ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बी और सी की बात करें तो बी और सी क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. और वी नो दैट जो लीनियर पेयर है उसमें जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180. अब हमें जो एंगल बी है उसकी मेजरमेंट गिवन है तो एंगल बी की जगह हम पुट कर देंगे 120 प्लस एंगल सी, ऐसी रहेगा इक्वल टू 180. अब सी की मेजरमेंट फाइंड करनी है तो जो 120 है वो 180 के साथ सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा तो क्या आएगा, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू है, गिवन अ पैरेलोग्राम ए बी सी डी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज. हमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक पैरेलोग्राम गिवन है ए बी सी डी और इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी का यूज़ करके. देखिए इसमें जो फर्स्ट है उसमें पूछा है जो ए डी है वो किसके इक्वल होगी, तो ए डी जो है वो किसके इक्वल होगी, बी सी के, क्योंकि ए डी और बी सी क्या हैं, अपोजिट साइड हैं और जो पैरेलोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं. अब सेकंड में क्या पूछा है, एंगल डी सी बी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल डी ए बी के, क्योंकि एंगल डी सी बी और एंगल डी ए बी क्या है, अपोजिट एंगल है और जो पैरेलोग्राम होते हैं उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में पूछा है ओ सी किसके इक्वल, जो ओ सी है वो ओ ए के इक्वल होगी, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं पैरेलोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. इसका डी पार्ट में क्या पूछा है, एंगल डी ए बी, जो एंगल डी ए बी है वो सी डी ए के इक्वल होगा और दोनों की ही मेजरमेंट कितनी है, 180 होगी. इसका रीज़न यह है क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेलोग्राम में वो हमेशा क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. स्टूडेंट आई होप यू विल अंडरस्टूड. थैंक यू.